चलिए बनाते हैं राजमा बिना टमाटर के, इतनी गाढ़ी ग्रेवी और बहुत अलग स्वाद, मज़ा आ जाएगा आपको। शुरू करते हैं। उसके पहले 200 ग्राम राजमा रात भर के लिए इन्हें पानी में गला कर रख दीजिए और देखिए कितने बढ़िया ये फूल कर दुगने हो जाएंगे। अब इन्हें अच्छे तरीके से साफ करके, 2 से 3 बार साफ करने के बाद कुकर में ले लेते हैं। कुकर में डालने के बाद इसमें हमें मिलाना है दुगना पानी, बस दुगना पानी मिला दीजिए और इसमें 1 चम्मच नमक, ताकि ये अच्छे से पक सके। अब लगा देते हैं इसमें 5 से 6 हम सीटी और बात करते हैं इसमें कितने सारे पोषक तत्व आपको मिलते हैं। अगर आप राजमा खाते हैं तो इसके अंदर आपको मिल जाएगा सोडियम, पोटेशियम, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, प्रोटीन, भर के प्रोटीन आपको मिलेगा। तो इस तरीके से राजमा को अपनी डाइट में शामिल करिए और हेल्दी रहिए। इसको हम ठंडा होने देते हैं। कढ़ाई में लेते हैं 1 चम्मच सरसों का तेल, गर्म होते ही 1 चम्मच जीरा, कुछ खड़े मसाले, बारीक कटी हुई लहसुन 8 से 10 और 2 बड़े साइज के बारीक कटे हुए प्याज। बस 4 से 5 मिनट हमें लगातार इन्हें पकाना है प्याज में एक सुनहरा रंग आने तक। इसे ढककर भी हम पकाएंगे बीच में, ताकि ये बढ़िया से गल सकें और जल्दी पक सकें। और ढक्कन हटा के बीच बीच में हमें इसे चलाते रहना है, ताकि प्याज जले ना और बहुत बढ़िया कलर आ जाए इसके अंदर। देखिए कुछ इस तरीके से ढककर कुछ हटाकर, और देखिए हमने हरी मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया, सूखी लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया है, कुछ अलग स्वाद लाएंगे। और यहाँ पर मिलाना है अदरक, 1 चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक। और कुछ अलग फ्लेवर लाने के लिए मैं क्या इस्तेमाल करने वाला हूँ अभी आप देखिए। जिसमें से पहला तरीका ये है, कुछ अलग थोड़ा सा दही लेना है, उसमें 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च। ज़्यादा लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, कश्मीरी का भी और लाल मिर्च का तो कर ही नहीं रहे हम। इनको बढ़िया तरीके से मिक्स तैयार कर लेना है। दही बहुत अधिक खट्टा नहीं लेना हमको। अब चलते हैं प्याज की तरफ। देखिए प्याज हमारी एकदम कितनी बढ़िया पक गई है, चारों तरफ से तेल छोड़ दिया प्याज ने, मतलब प्याज हमारी परफेक्ट पक चुकी है। और यहाँ पे मिलाना है वो दूसरी वाली एक नई चीज़, 1/2 चम्मच सफ़ेद मिर्च। मेरे पास है इसलिए मैंने इस्तेमाल करी, अगर आपके पास नहीं है ज़रूरी नहीं कि आप इसका इस्तेमाल करें, आप लाल मिर्च का, हरी मिर्च, जो आपको सुविधाजनक लगे आपके पास हो आप मिला लीजिए। इसको 1 मिनट भूनने के बाद मिर्च को हम मिला देंगे हमारा बढ़िया वाला वो दही का जो मिक्सचर हमने तैयार किया था। बस लेकिन दही का मिक्सचर मिलाने के बाद में आंच को एकदम धीरे रखना है और लगातार चलाते रहना, दही फटने ना पाए। अगर दही फट जाएगा तो पूरी ग्रेवी का हमारा मामला खराब हो जाएगा। और देखिए कुछ इस तरीके से लगातार हाथ चलाते रहना है, बहुत बढ़िया स्वाद आएगा। मैंने कई बार इस रेसिपी को बनाया है और कुछ अलग स्वाद लाना है आपको तो इस तरीके से ही बनाइएगा। और बिना टमाटर की एकदम बढ़िया वाली ग्रेवी बनेगी। 4 से 5 मिनट इसको पकाते रहता है और ये कलर आने के बाद में यहाँ पे मिलाना है हमको कसूरी मेथी, 1 चम्मच जीरा पाउडर। बस 2 मिनट इनको मिला के अच्छे से पका लेते हैं हम, बस लगातार हाथ चलाते रहना, एक बहुत परफेक्ट वाली ग्रेवी बनेगी। ये देखिए इतना बढ़िया कलर आएगा और जब भी आप बनाएंगे तो आस पड़ोस के घर तक महक पहुंचेगी और वो आपसे कहेंगे भैया जायका हमें भी तो खिलाइए। और यहाँ पर आप कलर आने के बाद मिला दीजिए बारीक कटा हुआ हरा धनिया, वो भी डंठल के साथ, बहुत मस्त फ्लेवर आता है। और उसके साथ ही हमारे ये राजमा देखिए कितने परफेक्ट पके हुए हैं, लेकिन मिलाना कुछ इस तरीके चम्मच से। अगर हम डायरेक्ट पलट देंगे कुकर से तो पानी कुछ ज़्यादा हो सकता है, अगर पानी थोड़ा बहुत ज़्यादा है तो चम्मच से निकाल निकाल के इस तरीके से मिला लेना है। पानी हम थोड़ा ज़्यादा है वो हटा देंगे और यहाँ पर चम्मच को उल्टा करके कुछ राजमा हमको मैश करना है, कुछ थोड़े बहुत, ताकि हमारी ग्रेवी में अच्छी थिकनेस आ जाए, ग्रेवी हमारी एकदम बढ़िया परफेक्ट बन जाए। और उसके बाद 1 मिनट और पकाना है। 1 मिनट पकाने के बाद में सिर्फ 1/2 चम्मच गरम मसाला, फिर इसे सिर्फ 1 मिनट और पकाइए, 1-1 मिनट करके बहुत अच्छा मामला हो जाएगा। और ये देखिए उबाल आने के बाद में श्रद्धा अनुसार हरा धनिया मिला दीजिए और आप देखिए सब्जी ओपन कर फटाफट हो जाएगी तैयार। टमाटर मिलाना नहीं, कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं, और कुछ अलग तरह का स्वाद लाना है तो बनाइएगा कुछ इस तरीके से ही। देखिए कितनी परफेक्ट ग्रेवी बनी है, बिल्कुल ना ज़्यादा गाढ़ी है ना ज़्यादा पतली है, तो आपकी सब्जी भी बनेगी कुछ इस तरीके से। और मेरा ये तरीका अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा।